हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एम का टेक। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही छोटे से, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। ये है खचौड़ा की तरफ से आने वाला एक बहुत ही स्लिम फोन जिसका मॉडल है K10। ये एक फोन होने के साथ साथ एक ब्लूटूथ ईयरफोन भी है जिसे हम आसानी से ब्लूटूथ की तरह अपने कान में फिक्स कर सकते हैं। तो जल्दी से इस फोन को देख बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस फोन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। और अगर बॉक्स करने से पहले देखते हैं कि इस फोन के बॉक्स में क्या क्या चीज़ हमें फीचर्स के बारे में बताया गया है। तो जो फ़ोन का बॉक्स है बहुत ही छोटा है, जो हमारे नॉर्मल से कीपैड वाले स्मार्टफोन होते हैं वो भी इस फ़ोन के बॉक्स से काफ़ी बड़े होते हैं। इस फ़ोन का बॉक्स हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जो बहुत ही स्लिम है, बहुत ही नोटबुक की तरह लगता है, जिसके सामने से हमें फ़ोन का एक छोटा सा डिज़ाइन दिखाने की कोशिश की गई है। और नीचे इसमें इसके एक दो फीचर्स के बारे में बताया गया है कि मिनी सेल फोन, ब्लूटूथ हेडसेट और FM रेडियो, ये तीन चीज़ें भी हमें इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलती है। और इसके ऊपर की साइड एक छोटा सा मेंशन किया गया है कि 1 ईयर वारंटी, तो हमें इस फ़ोन में 1 ईयर की वारंटी भी देखने को मिल जाती है। और अगर बात करें इस फ़ोन के बैक साइड की, तो इसमें इसके एक दो खास फीचर्स और हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। जैसे 0.66 इंच की डिस्प्ले, तो हमें इस फ़ोन में 0.6 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। माइक्रो सिम, इस फ़ोन में हम एक माइक्रो सिम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। ब्लूटूथ डायलर भी इस फ़ोन में हमें देखने को मिलता है। और ब्लूटूथ हैंडसेट, हाई एनर्जी पॉलीमर बैटरी, तो हमें इस फ़ोन की कुछ खास खास बातें वो बताई गई है। इस फ़ोन को मैंने अमेजन से ख़रीदा है 900 रुपये में। वहाँ मुझे फ़ोन पसंद आया तो मैंने वहाँ से ख़रीद लिया। और जल्दी से फ़ोन को बॉक्स को ओपन करते हैं कि और देखते हैं कि हमें इस फ़ोन के बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। जब इस फ़ोन के बॉक्स को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से खुलता है, नॉर्मल बुक की तरह। सबसे ऊपर कुछ कागजात दिए गए हैं जो किसी काम के नहीं है, हमें इनसे कुछ नहीं करना है। हम पहले से इतना जानते हैं कि बिना पढ़े सब कुछ कर सकते हैं। इसके नीचे जो हमारा फ़ोन है वो हमें देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, बहुत ही छोटा है। सामने खोलते हैं हमें फ़ोन दिख जाता है, बहुत छोटा सा, कुछ इतना छोटा सा फ़ोन है जो हमारी एक उंगली से भी छोटा है और हमारे हाथ में काफ़ी आसानी से फिट हो जाता है। फ़ोन जो है गोल्डन कलर में है, इसके शायद पूरा फिक्स है, कहीं से खुलेगा नहीं। जो इसकी बैटरी है इसके अंदर फिक्स की गई है। इस फ़ोन के साइड में हमें शायद सिम इंस्टॉल करने के लिए पोर्ट दिया गया है। इसको ओपन करके हम यहाँ पर सिम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें हमें एक माइक्रो सिम लगाएंगे। अगर इस फ़ोन के बॉक्स के कुछ अदर कंटेंट के बारे में, तो हमें USB 2 माइक्रो USB केबल देखने को मिलती है जिसकी हेल्प से हम इस फ़ोन को चार्ज करेंगे। एक छोटा सा ये प्लास्टिक का बैंड है, जिन लोगों के कान में ब्लूटूथ आसानी से फिट नहीं हो पाता एक ही बार में, तो वो लोग इसका यूज करके अपने कान में ब्लूटूथ को फिक्स करते हैं। और कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स हमें देखने को मिलती है जिसकी हेल्प से हम इस फ़ोन को अपने कान में फिट करेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से इस वाले फ़ोन को ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। ओपन करना था, बहुत ही छोटी सी स्क्रीन हमें देखने को मिलती है, लेकिन जो भी इसमें टेक्स्ट लिखा है काफ़ी अच्छे से विजिबल है। नीचे पूरा एक डायलर है जिसके यूज करके हम जो भी हम नंबर यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। और जो भी की हम प्रेस करते हैं उस की को ये बोलता है और इसकी आवाज़ आती है। अगर हम इस फ़ोन की बात करें साउंड क्वालिटी की, जो इसकी साउंड है नॉर्मल सी साउंड है जो हम आसानी से सुन सकते हैं, लाउड साउंड नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इस फ़ोन के अदर और हल्के से डिज़ाइन के बारे में, तो जो वाले फ़ोन होते हैं सेम वही डिज़ाइन हमें इस फ़ोन में देखने को मिलता है। और इसके नीचे एक माइक होल जिसकी हेल्प से हम जो हमारी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए सामने भेजने के लिए काम आता है। इस फ़ोन में हमें एक छोटा सा प्लास्टिक का कुछ इस तरीके का बड्स देखने को मिल जाता है। इसकी हेल्प से हम इसको अपने फ़ोन में अटैच कर सकते हैं और इसको हम अपने कान में ब्लूटूथ डिवाइस की तरह ऐसे सेट कर सकते हैं। जैसे हम फोन कान को हिलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हिलता नहीं है और आसानी से गिरता भी नहीं है। काफ़ी थोड़ा सा हैवी फील होता है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन उतना ख़राब नहीं है और कम्फर्टेबल है। तो अगर हमें कॉलिंग करनी है, हमारे दोनों हाथ बिजी है, तो उस समय हम इस डिवाइस को काफ़ी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और अगर बात करते हैं कुछ अलग और दूसरे फीचर्स के बारे में, तो इसकी जो छोटी सी स्क्रीन है, इस फ़ोन की स्क्रीन में कि जो हम मीनू खोलते हैं तो हमें बहुत सारे नॉर्मल से यूज के जो ऑप्शन होते हैं दिखाई देते हैं। इस फ़ोन में हमें वायरलेस FM भी देखने को मिल जाता है, जिसकी हेल्प से हम जब हम कहीं कहीं गए हों, बाहर बोर हो रहे हों,
तो उस समय हम इस वायरलेस एफएम का यूज करके कुछ नई नई न्यूज सॉन्ग या कुछ ऐसी कॉमेडी ऑडियो इनका काफी तरह से इंजॉय कर सकते हैं और टाइम पास कर सकते हैं। इस फोन में हमें कोई भी मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलता है। अगर हमें इस फोन में एक छोटा सा मेमोरी कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता तो एकदम पावर पैकेज वाला बहुत अच्छा सा फोन बन जाता, जो एक कंप्लीट ब्लूटूथ ईयरफोन ब्लूटूथ डिवाइस के रूप में काम करता, जो खाली टाइम पे मनोरंजन गाने सुनने इन चीज़ों के लिए भी हमारे काम आ सकता था। तो ये फ़ोन किन लोगों के लिए है? तो ये फ़ोन सिर्फ उन लोगों को खरीदना है जिनके पास स्पेस कम है, जिनको कई ब्लूटूथ लगा के बात नहीं है, एक सेकेंडरी फ़ोन रखना चाहते हैं, तो वो लोग इस फ़ोन को खरीद सकते हैं। इस फ़ोन की जो बैटरी है काफ़ी अच्छी नहीं है, हमारे थोड़ा सा बहुत कम बैकअप देती है, तो भी जिसने अच्छी बैकअप या लॉन्ग लास्टिंग चाहिए तो वो इस फ़ोन को नहीं खरीदेगा। इस फ़ोन को खरीदने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य यही था कि बहुत छोटा सा स्मॉलेस्ट सा फ़ोन है और कैसे कैसे फीचर हमें प्रोवाइड करता है ये देखना चाहता था, इसलिए मैंने इस फ़ोन को ख़रीदा। अगर आप कोई छोटी सी यूनिक एंटिक कोई प्रोडक्ट आप भी खरीदना चाहते हो तो आप इसको खरीद सकते, कि नहीं तो ये प्रोडक्ट किसी नहीं है, किसी वेस्ट ऑफ मनी भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यूज नहीं, हमने इसे कभी यूज़ नहीं करना है। अगर आप इस फोन को खरीदते हैं जाते हैं अलग से दिखाते हैं कुछ अलग सा एंटिक यूनिक बनना चाहते हैं तो सिर्फ उसी पर्पस में फ़ोन आपके काम आ सकता है। अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी तो सब आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपकी इस वीडियो ये स्पेशल काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में, तब के लिए टाटा, सी यू, गुड बाय, जय हिंद।